नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस छोटे से गांव में। एक गांव जहां रहती है आफतें। अब इन आफतों के आगे कुछ लोग तो हार मान चुके हैं, वही कुछ लोग अपनी समझदारी से इन आफतों का सामना कर रहे हैं। सर, उन्हीं समझदारों में से एक है मेरा दोस्त, मिलना चाहेंगे आप सब, आइए। यार मजनू, ये सब क्या लगा रखा है? अरे भैया, बस त्योहार है ना, तो बस कुछ तैयारियां कर रहा था। अच्छा, आज अपनी खिड़की के नीचे इंतजार नहीं करेगा क्या? भैया आप भी ना। लैला चुका दिए होगे और फसलें पहुंच जाए या नहीं। पर मालिक मालिक, हम आदिवासियों से जितना बन पड़ा हमने किया, अब इसके आगे तो हम भूखे मर जाएंगे मालिक। अच्छा, तो मुझे इन्हें ये फिर से बताना होगा कि मेरा हिस्सा कितना दूं सबका, कितना। नहीं मालिक, जब कर नहीं चुकाया तो ये जमीन मैं तुम्हें कैसे दे दूं? हमारे मुंह से निवाला छीनकर इन लोगों ने अपने पेट भरे हैं। ये जमीन नहीं, जिंदगी थी हमारी जमीन और हम इसे मजदूरी बस बहुत हुआ। अरे क्या ये सही तरीका है इंसाफ मांगने का? अगर हथियार उठाने से हमें अपना हक मिलता है तो इसमें गलती क्या? भले ही आजादी के बाद तुम लोगों को 20 साल क्यों ना लगे, पर चलो, किसी ने अपने हक के लिए आवाज तो उठाई। पर तुम्हें क्या लगता है, क्या ये आवाज तुम्हें तुम्हारा हक दिला पाएगी? उस सोई हुई सरकार को दिला पाएगी? नहीं, क्योंकि आज तुमने इसे गिराया है। अरे इसके ऊपर है ये वर्दी, और इस वर्दी के भी ऊपर है ये राजगद्दी। और इस राजगद्दी को हमें गिराना होगा। इसके लिए हमें हथियार क्यों ना उठाने पड़े, हम आज जन्म देंगे नक्सलवाद को। और तुम
नहीं आओगे? पर क्या इससे मुझे मेरी लैला मिल जाएगी? देखते ही देखते नक्सलवाद का ये लाल रंग पूरे भारत में फैल गया। 1967 की ये एक सोच आज 2017 में सरकार के खिलाफ खड़ी थी, पर पूछने की बात तो ये है, ये 50 साल में हमारी भारत सरकार ने आखिर किया क्या? तो कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढने शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज लेकर आया है अपनी स्वनिर्देशित प्रस्तुति बाई सड़क।
कश्ती में सवार हुआ, तेरा पता जिससे पूछा नादान आशिक में करार हुआ। यूं तो हर गली कहती है कि तुझ तक जाती है वो, लेकिन मेरे अंदर का सन्नाटा मुझसे कह रहा मिथ्या कहलाती है। न बाई ओर होगी न बाई सड़क पर रह पाती है वो। बस बहुत हुई तेरी नादानियां, मिथ्या कहलाती है वो, मिथ्या ही कहलाती है वो। बैठ भाईदा, ये खिड़की तो बंद हो गई, अब इसके बाद क्या होगा बताइए, बताइए चुन्नी उतार के बताइए, चश्मा उतार के बताइए, कैसे बताइए बताइए। ओ चौबे अजय, अबे तू भी पूछ किससे रहा है, तुझे मैं बताता हूँ। अच्छा जी हाँ दोस्तों, आप सब आ चुके हैं बैडमिंटन के इस बहुत ही प्यारे खेल में, जो कि आज खेला जा रहा है नक्सलवादी और गवर्नमेंट के बीच में। और चौबे अरे सेटअप करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी लचकीली सी कमर और ये शटल ऊपर जाती हुई ट्रायल जोड़ लेते हैं और ये शॉट उमदा तकनीक पवेलियन के सारे लोग चारू जी को चुम्मे देना चाहते हैं, चुम्मे अरे नो आगे बढ़ते हैं गेंद को, गवर्नमेंट के बंदे ने उठा लिया तो ऑपरेशन स्पीकर जेस और बेहतर है सर्वे दौर पॉइंट। ओ नो हां सब गेम आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट के बंदे ने उठा लिया ओवर कॉन्फिडेंस में और ये बेहतरीन सर्विस शटल ऊपर जी समय पर पलटवार और पॉइंट 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 चौबे इस पे दो लाइनें कहना चाहेंगे मेरे देख मिस्टर गुप्ता सो बेबी ब्रिंग द फ्लोर में चौबे ये बिक गई है गवर्नमेंट। अरे कोई नहीं कोई नहीं पैसा पैसा आगे बढ़िए, गेम को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर चारू बहुत ही उम्दा फॉर्म में लगता है, गेम अभी जीत के जाएंगे। इन्होंने चलाई कारावान जिसपे मारे गए सीआरपीएफ के 75 जवान ही शटल ऊपर चला रहे हैं, शॉट पॉइंट देना चाहेंगे, ये सब क्राउड के लिए हो रहा है भाई साहब, पॉइंट लिख लीजिए ड्राइवर के लिए। बहुत ही बढ़िया खेल चल रहा है मिस्टर चौबे, आई तो आई लव यू चारू, लेकिन ये क्या इतनी ढीली सर्विस, व्हाट्स अप विद यू मैन। गवर्नमेंट लेके आई इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान ऑफ पॉइंट बेहतर है, पॉइंट इस पे मेरे पॉइंट डिस्कशन बनी दो लाइनें। नक्सल ने कहा कि छुपके देंगे दो नक्सल ने कहा कि छुपके देंगे चौबे, गवर्नमेंट ने कहा रह के लेंगे, तो गेम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, पोस्ट पे डाल के मिलाइए ताल से ताल और बताइए पब्लिक को स्कोर बोर्ड के हाल। चौबे गवर्नमेंट के हो रहे हैं दो, नक्सल के भी दो, अरे और ये ट्राइबल जीरो। अच्छा तो खिड़की बंद है इसलिए यह सब हो रहा है। यस 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 ओए 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 चल चल असली खेल तो अब शुरू हुआ है, मजा तो अब आएगा। वाह क्या खेल था, पर आखिर जीता कौन, क्या लाल सलाम हुआ या भारत माता की जय। अरे फर्क ही क्या पड़ता है, क्योंकि जिनके लिए ये खेल खेला जा रहा था उन्हें तो हम आज भी नहीं ला सकते। हाँ कुछ हिंदी फिल्मों ने खूब कोशिश की एक अलग छवि बनाने की, पर शर्म की बात तो ये है कि आज आजादी के 70 साल बाद भी हम आदिवासियों को उसी छवि से जी आदिवासी अरे जंगली होते हैं और कपड़ा नहीं पहनते, लगता नहीं कितने गंदे रहते हैं क्या कल्चर, अरे इस जंगली आदिवासियों का भी भाई साहब कोई कल्चर होता है क्या। ओ आदिवासी नहीं भैया जंगली बच्चे बन के घूमते हैं। ओडियन सी भैया दे नो नथिंग दे ऑल आर तो तनी कवार। अरे भैया तो आप नहीं बता रहे हो आता जाता कुछ
वन। अरे सर आप भी कुछ कह रहे थे भाई साहब, अनकल्चर। मेरे पास होली है, दिवाली है, इन आदिवासियों के। मेरा कोई धर्म नहीं, ये धरती ही मेरी भगवान है। इन्होंने पिछली बार टॉप किया था तो कौन होते हैं आदिवासी भाई? जंगल हमारी जरूरतों के लिए है, लालच के लिए नहीं। कुशल सभ्य नेटिव कल्चर, तो ये है भारत का आदिवासी। अरे हमसे अलग क्या हुए, हमने तो इन्हें अपनाना ही छोड़ दिया। या तो नजरअंदाज किया या देखा भी तो गंदी नजरों से। अरे हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये भी हमारे देश का उतना ही हिस्सा है जितना कि आप या मैं। भारत का आदिवासी हमसे अलग जरूर है पर हमारे बराबर है। और ये समझो सर, हमने बचपन में सीखा था तो क्या बड़े होते होते हम अपने सारे क्लासरूम लेसन भूल गए हैं। छुट्टी। अरे
अगर मैं 50 साल से भूले हुए इस देश के हिस्से आदिवासी को एक नजर मुड़ के देखूं, एक बार उनका नाम पुकारूं, या प्यार से एक बार गले लगा लूं, तो उनकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब आधी हो जाएंगी। जरूरत है तो एक पहल की, सिर्फ पहल की। ज्ञान तो आखिर ज्ञान होता है ना, विकास के सही मायने तो तब समझ आएंगे जब कला को उसका सही दाम और कलाकार को उसकी इज्जत मिले। जब जब आदिवासी अपनी राह से भटकेगा, हम उसे सही राह दिखाएंगे। एक बार जो सही राह दिखा दी, उसके बाद राजनीति का रास्ता तो वो खुद भी तय कर लेगा। ये नक्सलवाद और सरकार के सारे खेल की जड़ है। इन आदिवासियों का अधूरापन और इनकी कुछ जरूरतें, जो इनकी जरूरतें विकास से पूरी हो गई और इनका अधूरापन हमारे प्यार से, तब हर आदिवासी को मिलेगी उसके हिस्से की तरक्की और हर मजनू को उसकी। यू आर द बड़ा।